हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, डैट इज़ लर्निंग टेक्निक। लर्निंग टेक्निक, हम सब चाहते हैं कि हम जो पढ़ें वो हमें अच्छे से समझ आ जाए, याद रहे, ज़्यादा दिनों तक याद रहे, और उसे हम एग्ज़ाम में लिख भी पाए। तो चलिए आज एक एक करके हम उन टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो टेक्निक कौन कौन सी है जिससे जल्दी कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है और ज़्यादा दिनों तक याद रखी जा सकती है। तो सबसे पहला जो टेक्निक है वो है पोमोडोरी टेक्निक। ये पोमोडोरी टेक्निक है। तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जब भी एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, जैसे 20 मिनट या 25 मिनट का, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग 25 मिनट का क्या करते हैं कि एक अलार्म लगा लेते हैं, अलार्म, और उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। 25 मिनट पढ़ने के बाद फिर कुछ 2-4 मिनट या 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं। रेस्ट लेने के बाद फिर से शुरू करते हैं पढ़ना। तो इस तरह से पढ़ने से क्या होता है कि आदमी का जो कंसंट्रेशन है माइंड का, वो डिक्रीज नहीं होता है, वो मेंटेन बना रहता है, जिसके कारण हम अगर दिन भर भी पढ़ते रह जाए इस टेक्निक से, 25-25 मिनट करके अगर दिन भर भी पढ़ते रह जाए तो भी बोरिंग फील नहीं होगा, कंसंट्रेशन ठीक ठाक रहेगा और ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा याद होगा। उसके बाद दूसरा जो टेक्निक है वो है फाइमैन टेक्निक। फाइमैन टेक्निक, तो ये फाइमैन टेक्निक क्या है? तो इस फाइमैन टेक्निक को वैसे चीज़ों के लिए जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो उसको समझने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। फाइमैन टेक्निक है कि जब भी अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, जिसको याद जल्दी नहीं रखा जा सकता कि कैसे याद रखें, याद रखने में अगर प्रॉब्लम होती है, तो उसको समझने के लिए ये फाइमैन टेक्निक यूज किया जाता है। फाइमैन टेक्निक कहता है कि जब भी अगर किसी कोई भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ हो तो आप उसको इस तरह से पढ़े जैसे आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मैं इस टेक्निक को आपके वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसी तरह जब भी अगर कोई बुक में कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक हो तो आप उसको इस तरह से पढ़े जैसे कि आप किसी के सामने उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो आपको जल्दी से समझ में आ जाती है, याद भी हो जाती है और वो समझना आसान हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा है वह है मेमोरी प्लस टेक्निक। मेमोरी प्लस टेक्निक, अब ये मेमोरी प्लस टेक्निक क्या है? तो ये मेमोरी प्लस टेक्निक जो है, जब भी अब अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको किसी न किसी के इमेज से रिलेट कर करके पढ़ते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक याद रहती है और उसको याद करना आसान होता है, ज़्यादातर खुद ही याद हो जाती है, उसे याद रखना नहीं पड़ता है। जैसे साइंस में फॉर्मेशन है, तो फॉर्मेशन जब दूध से दही को बनाते हैं तो वो फॉर्मेशन होता है। तो अगर वो फॉर्मेशन, अगर दूध से दही का बनना अगर एग्जांपल अगर पता है, याद रहता है, तो फिर वो याद नहीं रखना पड़ता, बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। अब जैसे कोई भी बैक्टीरिया है किसी भी चीज़ को जब सड़ाती है, अब जैसे बहुत कोई बुक है और कहीं पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिनों तक रखा रह जाता है तो उसके पेज खराब होने लगते हैं, तो वो सब बैक्टीरिया, सब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब खाने लगते हैं। तो इस तरह से किसी न किसी घटना को एक किसी इमेज के साथ उसको जब जोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा दिनों तक याद रहती हैं। तो इस टेक्निक को मेमोरी प्लस टेक्निक कहा जाता है, और इससे भी किसी चीज़ को अगर याद रखना हो तो ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा याद रहता है। तो ये तीन टेक्निक है, पोमोडोरी टेक्निक जिसमें हम 25-25 मिनट का टाइम
टाइम इंटरवल लेकर के उसके बाद पढ़ते हैं और कुछ 5 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं, फिर लगातार पढ़ते रहते हैं, तो इससे होता है कंसंट्रेशन कम नहीं होता है। दूसरा फाइमन टेक्निक है, तो फाइमन टेक्निक यूज किया जाता है जब कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक हो और उसे याद रखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हो, तो वैसे टॉपिक को जब पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं जैसे किसी के सामने एक्सप्लेन कर रहे हों, तो इस टेक्निक से, तो ये फाइमन टेक्निक हो गया, और इस टेक्निक से बहुत बड़े बड़े डिफ़िकल्ट चीज़ को आसानी से समझा जा सकता है। मेमोरी प्लस टेक्निक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जब भी अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो किसी भी चीज़ को किसी न किसी खास इमेज से रिलेट कर देते हैं, तो वो चीज़ बहुत दिनों तक माइंड में सेव हो जाती है और हमेशा याद रहते हैं, तो इसको कहा जाता है मेमोरी प्लस टेक्निक। इसके बाद और भी टेक्निक है, तो उसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, और आज इतना ही, धन्यवाद।